धन्यवाद श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे मैं सभापति महोदय विदुर जी को ये पूछना चाहता हूँ कि आपने आप एक मिनट इन्होंने सस्पेंस रखा है, पप्पू जी कौन थे? पप्पू जी अगर पप्पू जी की कौन सा है आप? चलो बात कीजिए है। अरे भाई आप यूर एड्रेस टू चेयर, आप अपनी बात रखिए। पप्पू जी हनुमान जी आप अपनी बात रखिए, समय समाप्त हो जाएगा, बात रखिए। हनुमान जी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। नहीं सभापति महोदय, मैं तो ये पूछ रहा था कि नहीं, आप अपना अपना विषय रखो। हम सब सोच रहे हैं वही पप्पू जी है, दूसरे हैं। ठीक है तो आगे समझ में। सभापति महोदय आपने बजट पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय मेरे से पूर्व पक्ष विपक्ष के विद्वान सांसदों ने अपनी बात रखी। सभापति महोदय इस बजट से देश के नौजवानों को, किसानों को और आम आदमी को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि अब की बार का जो बजट है वो अलग तरीके का आएगा, रोजगार की गारंटी होगी, किसानों का बहुत बड़ा भला होगा इस बजट के अंदर। लेकिन जब बजट पढ़ा तो इसके अंदर कोई विशेष इस बजट के अंदर नहीं लगा रहा। आपके जो दो साल के पहले के बजट थे उससे हटके ये बजट जो प्रधानमंत्री जी का बजट है, ये हमें नहीं लगता कि 25-50 साल की जो बात आगे की कही है वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। सभापति महोदय ये सवाल ये उठता है कि आपने कहा विश्वास का क्या होगा, पिछले 7 सालों में लोग आप पे भरोसा करके आपको सत्ता में लाए, कांग्रेस के कुशासन से दुखी होके लंबे समय बाद एनडीए के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 का बहुमत दिया, लेकिन अब की बार का जो बजट था उससे नौजवान, किसान और तमाम मध्यम वर्ग को एक झटका लगा। उनको लगा कि बजट हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं, हमें आगे लेके नहीं जाएगा। सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बजट में वित्त मंत्री जी ने अपने 25 सालों के ढांचागत विकास की रूपरेखा तो करी, लेकिन आप अगले आम आदमी 25 दिन या 25 महीने किस उम्मीद पर बिताएगा इस बारे में बजट किसी तरह की आश्वस्ति नहीं देता। पिछले 2 सालों में कोरोना काल के अंदर लगाए प्रतिबंध उद्योगों और नौकरियों पर बहुत बुरा असर पड़ा, रोजगार खत्म हुए, आधे वेतन पर लोग काम करने को मजबूर हुए, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई, स्कूल कॉलेज बंद रहे जिस वजह से ऑनलाइन पढ़ाई करना विद्यार्थियों की मजबूरी हो गई थी। सभापति महोदय महामारी के कारण स्वास्थ्य खर्चों में बढ़ोतरी हुई, कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को साल भर तक आंदोलित रहना पड़ा जिसका व्यापक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। सभापति महोदय अगर बजट में जिक्र हुआ गति और शक्ति का, बजट में बताया कि वित्त वर्ष 22-23 में 25,000 किलोमीटर के हाईवे तैयार किए, 3 सालों में 100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए, पीएम गति शक्ति योजना के तहत रोड, रेलवे और वाटरवेज के इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स विकास पर फोकस किया जाएगा। इस सब बड़ी बड़ी बातों और योजनाओं में गांव का भारत हमें गुम होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी सुनिश्चितता सरकार कैसे लाएगी? मध्यम वर्ग जिसने सबसे ज़्यादा वोट आप लोगों को डाले, बजट के अंदर उनको निराशा हाथ लगी, इस बजट में अपने लिए करों में रात की उम्मीद लगा कि आम आदमी बैठा था कोरोना काल के अंदर, आर्थिक व्यवस्था, आम आदमी रोजगार से जूझ रहा था, लाखों लोग भी चले गए, लेकिन आपने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त मंत्री जी का आम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये संदेश है कि हमने 2 साल से इनकम टैक्स नहीं बढ़ाया और लोगों पर कोरोना काल के बावजूद टैक्स नहीं बढ़ाया, ये सबसे बड़ी राहत है। लेकिन कोरोना सहित अभी अन्य कारणों जो हालत निर्धन में मध्यम वर्ग के बने उस पर सरकार ने गंभीरता से बजट में कुछ नहीं किया। सभापति महोदय कृषि क्षेत्र के लिए जो आम बजट 22-23 में कृषि क्षेत्र के कुल आवंटन में केवल 4.8% वृद्धि हुई, जबकि फसल बीमा और किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को सक्षम करने वाला आवंटन के भारी इसके अंदर कमी की गई है। इतना ही नहीं, बजट में किसानों की आय दुगुनी करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जो बार बार आप कह रहे हो किसानों की आय दुगुनी करेंगे, पूरी तरह इसमें चुप्पी साध दी गई, जबकि इस योजना की समय सीमा इसी वर्ष 2022 थी। सभापति महोदय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 22-23 में चालू वित्त वर्ष 21-22 से केवल 5,700 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवंटन की 15,989 करोड़ रुपए से घटाकर 15,500 करोड़ रुपए कर दिया, ये भी चिंताजनक है। सभापति महोदय MSP पे जब किसान आंदोलन चला,
सहमति बनी तीनों कृषि बिल, किसानों के आंदोलन के चलते सरकार ने भारी दबाव के अंदर तीनों कृषि बिल तो वापस ले लिए, और एक वादा किया था किसानों को कि MSP पे गारंटी, खरीद गारंटी का कानून बनेगा। अभी भी MSP पे जो खरीद हो रही है वो 25 क्विंटल से ज़्यादा किसी किसान की खरीद नहीं होती, राइडर लगा हुआ है। आपने इसके अंदर MSP की पूरी बात नहीं करी, जो कमेटी गठित करनी थी वो कमेटी भी अभी गठित नहीं हुई। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना और MIS PSS और मूल्य समर्थन योजना के आवंटन में भारी कमी की गई, परिणाम आशा को सिर्फ 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया, जबकि वित्त वर्ष 21-22 में इसी मद पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये कटौती ऐसे समय हुई जबकि किसान संगठनों की प्रमुख मांग है कि फसलों की खरीद के लिए MSP की गारंटी दी जाए, जिस पर सरकार ने संगठनों को भरोसा भी दिलाया था, लेकिन इस पर अभी भी कोई विशेष कार्रवाई नहीं। समझ मोदे खाद्य और पोषण सुरक्षा बजट दस्तावेजों, खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर विरोधाभासी बात दिखती है। यह दस्तावेज कहता है कि मिशन का उद्देश्य पोषण सुरक्षा के साथ इन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दलहन और पोषक अनाज पर विशेष जोर देना है, जबकि खाद्य और पोषण सुरक्षा के तहत आवंटन में 21-22 में 1540 करोड़ रुपये संशोधित से घटकर 1395 करोड़ रुपये हो गया। इसके तहत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को दालों का वितरण करने के लिए खरीदी गई दालों के स्टॉक का निपटान करना है। इसके अलावा मिड डे मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ICDS आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए केवल 9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जबकि 21-22 में संशोधन अनुमान 50 करोड़ रुपए था, हालांकि 21-22 के बजट में अनुमानित आवंटन 300 करोड़ रुपए था। समझ मोदे, एक अभी बात चली थी महंगाई की, सभापति मोदे हमने जब 2014 के अंदर आप थे, उससे पहले UPA की सरकार थी, और 2014 के अंदर UPA सरकार 12-13 के अंदर तेल की जो प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मूल्य था वो $140 अधिकतम था उस समय, और यहाँ भाव 50-60 के लगभग, 50 के आसपास डीजल का था और 60 के आसपास पेट्रोल का भाव था। कृपया समाप्त कीजिए। एक मिनट सर, 2014 से मेरे को तो याद किया, मैं दिला भी दूंगा, राजस्थान में याद है आपको ना, 2014 से कीमतें घटती गई और $20 प्रति बैरल तक आप इसको बढ़ाते रहे, 50 रुपये तक बढ़ा दिया, जबकि $80 का अभी भी $80 से ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा धोखा इस देश की जनता के साथ आप कर रहे हो। चुनाव जहाँ आ रहा है उस समय आप इसको नहीं बढ़ाते, और उसके बाद बढ़ाकर 1 रुपया घटा देते हो। मेरी मांग है प्रधानमंत्री जी से, अगर आप आम आदमी की चिंता करते तो महंगाई को कम करो आप इसके लिए, क्योंकि खाली उत्तर प्रदेश में ही चुनाव नहीं है, उसके बाद और 4 राज्यों के अंदर चुनाव है जहाँ कड़ी चुनौती आपको मिलेगी। जिन वादों के साथ आप सत्ता के अंदर आए हो, देश का नौजवान, किसान, मध्यम वर्ग ये भूला नहीं है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई समीकरण बन जाए, आप सत्ता हासिल कर लो, इसका मतलब ये नहीं है कि 24 के अंदर आप 303 और 308 आ जाओगे। NDA के धीरे धीरे साथियों ने आपको छोड़ दिया, एक गए, दो गए, तीन गए, चार गए, चौबीस आते आते करीब करीब चले जाए। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स विल मेक एन अनाउंसमेंट। मंत्री जी, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म द मेंबर्स दैट द अरेंजमेंट फॉर डिनर हैज बीन मेड फॉर द मेंबर्स इन रूम नंबर 70। लोग ज़्यादा नाराज हो गए, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के लंबित मुद्दे और सुझावों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ईस्टर्न कैनाल ERCP केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर बजट भाषण में इसको लेकर निराशा हाथ लगी, इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना सिंचाई परियोजना घोषित करें सभा वित्त मंत्री जी। 13 जिले राजस्थान के लाभान्वित होंगे और 13 के 13 MP आपके भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ पे, ये 13 जिलों की जो योजना है इसको आप धन्यवाद 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 सब खत्म कर रहा हूँ मैं। रेल को आप सेवा बताते, लेकिन गैर अर्थसम बताकर जब किसी परियोजना को रोका जाता है तो उसे जाहिर होता है कि रेलवे को सेवा का जरिया मानना और कह देना में अंतर है। राजस्थान को रेलवे जुड़ी परियोजनाओं में इस बजट में निराशा हाथ लगी, जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता। सबसे बड़ी बात कि रेल मंत्री जी राजस्थान चाहते हैं, तो ये राजस्थान सहित पूरे देश का वैसे ध्यान रखेंगे, विशेषकर राजस्थान और मारवाड़ से जहाँ से आते हैं, जहाँ मेरा भी संसदीय क्षेत्र है, तो आप इसका भी ज़्यादा ध्यान रखेंगे। कोरोना का नाम लेकर पिछले वित्तीय वर्ष का सांसदों का बजट, एक मिनट साहब खत्म कर रहा हूँ मैं, बजट सांसदों का आपने ले लिया, सरकार के अंदर वैसे कोई कमी नहीं होती, हमारे राजस्थान के अंदर विधायकों का बजट बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया, और हमारा पूरा ही 2 साल का बजट ले लिया, 2 करोड़ रुपए उसके अंदर दिए। मेरी मांग रहेगी कि वो तो 5 करोड़ रुपए सांसदों को दे ही दे,
इसके अलावा संसदीय क्षेत्र इतने बड़े सभापति जी, आजकल सांसदों को तो लोगों ने मुख्य अतिथि बुलाना ही बंद कर दिया, कार्ड में नाम ही नहीं लिख रहे हैं, भाई पैसा नहीं क्यों बुलाएंगे लोग। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 50 करोड़ रुपए बजट सांसदों का कम से कम सालाना करो। इससे कोई थैंक यू वेरी मच। एक मिनट मेरी बात समाप्त करो। मैं ये मेरी मांग रखूंगा किसी भी क्षेत्र में जरूरी कार्यों वहां की कमियों को जानकर स्थानीय सांसद को ऐसे हो सकती है तो वैसे सांसदों का आपने एक अच्छा काम किया था वो आपकी मैं तारीफ भी करूंगा कि दिशा का चेयरमैन सांसद होता है वो आपने ही सांसद की उपस्थिति दर्ज कराई, पहले सांसद को कोई नहीं पूछता था, ये सही बात है। लेकिन कई राज्यों के अंदर दिशा की मीटिंग नहीं होने देती वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके अंदर भी आप समझ में, मैं आधा मिनट में मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ, बस आधा मिनट ना बोलिए। डिजिटल शिक्षा प्रत्येक काम को डिजिटल तरीके से करने में जोर दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र इस बार ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि सरकार की BSNL की 4G सेवाएं लोगों को नहीं मिल रही है, दूर दराज क्षेत्रों में आज भी नेटवर्क का अभाव रहता है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अगर देश में किसी को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। थैंक यू आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू श्री विजय कुमार को संपूर्ण विजय कुमार करने का रोड में हंसनक जी